Pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to... नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन प्लस का 9 प्रो। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी डिटेल्स, स्पेक्स और ओवरऑल डिजाइन कैसा है। तो आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। तो अभी मेरे हाथ में है वन प्लस की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप और ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वन प्लस 9 प्रो। तो आइए एक नजर डालते हैं इसके डिटेल्स की ओर। तो बात करें अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड पे मिलता है पावर बटन, इसके ठीक ऊपर मिलता है अलर्ट स्लाइडर, इसके ऊपर साइड मिलता है हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में मिलता है वॉल्यूम रॉकर और इसके बॉटम साइड पे मिलता है डुअल सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। तो इसके चारों ओर लगा है एक मेटालिक फ्रेम और ये फोन एक 5G फोन है और इसके अंदर लगा है स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, जो कि अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है और काफी फास्ट है। तो बात करें इसके बैक साइड की, तो इसके बैक साइड में मिलता है पाइन ग्रीन कलर और ये ग्लास बैक के साथ आता है। और बात करें अगर इसके प्रोटेक्शन की, तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमें इसमें मिल जाती है और हेसलब्लेड ब्रांडिंग के साथ मिलता है यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और 50 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। और इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस। तो बात करें अब इसके डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 इंच का एक कर्व्ड क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें मिलता है और ये आता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफ़ी स्मूथ और फास्ट है। और फ्रंट में इसके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है। तो बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले कैमरा। तो बात करें अगर इसके UI की, तो ये लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 11 पे रन हो रहा है और एंड्रॉयड 11 का इसमें सपोर्ट मिलता है और इसमें लगा है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है। तो बात करें इसके वेरिएंट की, तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में, और ये आता है IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में। ये एक वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है, जिसको आप 10 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो बात करें अगर इसके कैमरा फीचर्स की, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भरे पड़े हैं, जैसे आप इसमें 4K 120fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके अंदर आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और नाइट मोड, प्रो मोड, जिसके अंदर आप कैमरे की तरह मैन्युअली सेटिंग करके आप तगड़े तगड़े फोटोज ले सकते हैं और इसके अंदर एक टिल्ट शिफ्ट का भी फीचर मिलता है और इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का भी फीचर है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें आप वीडियो के अंदर एक DSLR कैमरे की तरह एक ब्लर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं और इसके अंदर जब फोटो क्लिक करते हैं तो एक अलग से ही वाइब्रेशन आती है, जो कि काफ़ी हटके है और ये एक प्रीमियम फ़ोन वाली फीलिंग दिलाता है और आप इस वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। और बाकी फोटोज़ और वीडियो सैंपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि इसी फ़ोन से क्लिक की गई है। ऑलमोस्ट ये सभी फ़ोटोज़ शाम के टाइम की है, तो आप देख सकते हैं कि इसके कैमरा फुटेज कैसे आ रखे हैं। बाकी फर्स्ट लुक में मुझे काफ़ी अच्छा इसका कैमरा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके कैमरा सैंपल, इसके फ़ोटो वीडियो आपको कैसे लगे। तो अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसमें मिलता है हमें 4500 mAh की बैटरी,
जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, और इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो बात करें इसमें अगर डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी की, तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है और आप स्क्रीन देख सकते हैं। डिस्प्ले इसकी काफ़ी तगड़ी है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसकी, और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर इसमें मिलता है, जिसकी आवाज़ काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी बेसी और लाउडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको OnePlus 9 Pro आपको कैसा स्मार्टफोन लगा और इसकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं इसके ऊपर, इसके कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमें हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।